daddy. Yeah, my daddy. Let's rock. मेरे पास नोट 9 ब्लू कलर का था, जितने मुझसे कॉपी करके नोट 9 ब्लू कलर का लिया सेम. फिर मैंने लिया नोट 20 ब्रॉन्ज का, फिर मुझसे कॉपी कर लिया नोट 20 ब्रॉन्ज ले लिया. जय माता दी. देखो साबुन नहीं निकले अंदर से. पहले ओपन तो कर लो माता रानी को दिखाने से पहले. जय माता दी. तो हमारे घर में जो भी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी ऐसे ज्वेलरी वगैरह आता है पहले माता रानी यूज करते हैं. Well, I don't know. बचपन से हमारे एक ट्रेट है, there is a विश्वास कि है ना, सबसे पहले give it to the usage to somebody who is precious at home. ये तो हमने ऐसे दिखाया, ज्वेलरी तो 3-4 दिन वहीं पे रहता है ना. भाई पहले मेरा वो चेक करो ना, 12 GB रैम है ना, नहीं तो फिर उसको क्या पता चलेगा. वो फोन ओपन करने के बाद ही चला पता चल गया. ओपन तो करो. क्या बात है. उधर 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 स्टैम्प. हाँ वो हटा. अच्छा फिर से जय माता दी. शाबाश. कैन सी दिस वन. अरे फोन निकला, साबुन नहीं निकला. कैन सी देखो. Dude, whose phone is this? Now you'll get confused. Which is on his mama phone, which on his dad phone? Mama. Mama. This is mama. The new one. You go to it to mama. Okay. Because mama does so much of work. इसमें एक फायदा ये कि इसमें ये वो मुझे वो चार्जर दे दो प्लीज. सुनो मेरा खराब हो गया है, चार्जर मुझे दे दो प्लीज प्लीज. सुनो मेरे साइड में नहीं है. देखो पता है ना, नया सामान आता के साथ ही ना, मतलब ये क्या ड्रामा है. हमारे इंडिया में ये सारा चलता ऐसे ही होता है क्या. मैं गांव बसाने लुटेरे पहले आए थे. सुनो सच में मुझे आपके पास तो है ना चार्जर. तो भाई मेरे फोन के साथ में चार्जर आया ना. सुनो प्लीज मुझे चार्जर मुझे दे. तू फोन ले ले चार्जर के बारे में. फोन में चार्जर नहीं आ रहा है ना, मैं क्या करूँ. तो फोन ले ले भले. चार्जर चार्जर की बातें मत किया कर. चार्जर बहुत नहीं, 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 नहीं. सुनो प्लीज, मैंने आपको फोन दिलाया तो आप मुझे चार्जर दे दो. तू सुभाष चंद्र बोस है. चार्जर और हेडफोन मुझे दे दो. और आपके पास तो है हेडफोन. आपके पास तो है ना आपका लेनोवो का चार्जर भी. तू सब कुछ तो मुझे वायर वाला चाहिए ना. आपको तो नॉर्मल चलता है, मतलब दूसरा. एक दिन तो रहते, एक दिन के बाद नहीं. चार्जर नहीं, मैं आपके साइड में चार्ज करती हूँ फोन. इसलिए फोन दिलाया क्योंकि तुम्हें पता है उसमें चार्जर आने वाला है. ऑन करो. क्या हुआ. वाह गाइस, मेरे फोन की हालत देखिए. ये यहाँ से टूटा था, यहाँ से टूटा था, और फिर भी मैं इसको यूज कर रहा था. ये कितने साल हो गए. 4 साल हो गए शायद. बट थैंक्स टू माय वाइफ. 4-5 साल हो गए ना ये. हाँ मेरे फोन बहुत सॉलिड फोन होते हैं नोट सीरीज के. हाँ नोट सीरीज के फोन बहुत अच्छे होते हैं. मेरा भी तो अभी तक नोट 9 में यूज कर रही हूँ. ये सेम जीत का जैसा है ना ब्लू कलर का नोट 9, मेरे पास भी सेम. और अभी जो जितने लिया जिससे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ वही सेम. तो बहुत लोग पूछते हैं कि यदि आप कौन सा फोन यूज करते हो ब्लॉगिंग के लिए. तो ये नोट 20 अल्ट्रा सैमसंग का जो है वो मैं यूज करती हूँ. चलिए वो सब कर लो. No, what's that? A phony? An M donk. Donk. No, you're Banku. No, donk. Ben, no, you're Babis. I like Babis. I like Babis. I like Hamis. And I like Gingers. No, like Gaty. Oh, like Gates. The Gates.
मैंने बोला जब गाड़ी आएगा, गाड़ी लाइसेंस हो जाएगा, गाड़ी नहीं लेंगे, मैं आपकी गाड़ी में चलाऊंगी, बट मैं रात को नहीं चलाऊंगी। हाँ मतलब मैं तो बोलूँ ये हिरण्यकश्यप है जो राक्षस होता था ना, हिरण्यकश्यप जिसको वरदान मिला था, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, ना क्या नाम है घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा, तो ऐसी है मेरी बीवी, मैं दिन में नहीं चलाऊंगी, मैं रात में चलाऊंगी, शाम को चलाऊंगी, फिर मैं ये वाली गाड़ी नहीं चलाऊंगी तो ये छोटी हो, बड़ी गाड़ी नहीं चलाऊंगी, छोटी चलाऊंगी, लंबी नहीं चलाऊंगी, इसमें बंपर दिखेगा तो चलाऊंगी, इसमें बंपर नहीं दिखेगा तो नहीं चलाऊंगी, है ना, फिर हनी बनी को छोड़ने जाऊंगी तो ही चलाऊंगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं चलाऊंगी, है ना, और गाड़ी आने तक रेंट कार नहीं होगा तो नहीं चलाऊंगी, ये गाड़ी होगा तो ये चलाऊंगी, मतलब क्या है, मतलब डिस्कशन क्या है भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ, ये तो हिरण्यकश्यप है बता रहा हूँ, हिरण्यकश्यप ड्राइवर जो सीजनल ड्राइवर होते हैं भाई, मैं ऐसा होगा तो चला, अच्छा जब आप बैठोगे तो मैं नहीं चलाऊंगी, आप हो तो मैं क्यों चलाऊं, क्यों, मैं मेरा हक नहीं बनता थोड़ा आराम करने का, नहीं आपका कोई हक नहीं बनता। तो गाइस मैं पहले बता रहा हूँ, जब इसकी गाड़ी आ जाएगी तो ब्लॉगिंग अलग अलग होने लगेगी, क्योंकि ये अपनी गाड़ी में चलाएगी, ब्लॉग करेगी, मैं अपनी गाड़ी में, हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। अब तो आपका फोन भी आ गया तो आराम से आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, आप पहले तो आपका कैमरा नहीं था, मेरा फोन ही टूट फूट हो रखा था, ठीक है। How's it? Good? When you have? बहुत दिनों के बाद मेरा फेवरेट गन्ने का जूस, चलो आपको पसंद नहीं है गन्ने का जूस, मतलब मेरा फेवरेट स्कूल में तो आई थिंक फेवरेट है भाई, यहाँ पे गन्ने का जूस में थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाते हैं, मेरे को गन्ने की फोटो खींचने वाली है, उसके अंदर नींबू वींबू लगाया था हाफ करके, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा है ना, ट्राई तो करो एक बार, बहुत अच्छा लगता है मुझे गन्ने का जूस, बट इंडिया में वो रोड साइड का गन्ने जूस ही मस्त लगता है ना, ये भी बहुत मस्त है। बैटमैन, सुपरमैन, इनके स्कूल में आज वो है कि जिसको जो कैरेक्टर पसंद है ना वही बन के आएगा, एंड उसके मतलब एक स्टोरी सुनाएगा उससे रिलेटेड, तो हनी बना है सुपरमैन, बनी बना है बैटमैन, यस चलो चलो बैग ले लो, और नीचे दोनों के स्पाइडरमैन, नीचे दोनों के स्पाइडरमैन, Superman always put red light over here. Red light? Yeah. Okay. Chalo, let's go. Okay, tell the story nicely, okay? You are the Batman in the character, okay? In the story, you are the Batman. And I'm the Soupy. And you are the Superman in the story. No, Superman, Soupy. And I'm BT. Okay, chalo. Bye. Mama! Mm-hmm. I think somebody is broken this one. Somebody broke this. If someone broke, I punch. Mama, you are breaking. Breaking. You break. Mama. Mm. I will break? Fix it. I'll fix it. You go. Mama, I'll fix it. They're all the same. How come this broke? I don't know. I think Mama, something happened with this. First, you have to fix like this. I'll fix it. You go. No, you have to fix it like this. Okay. Mama. Chalo, let's go. Bag leo. Somebody broke this. Hello guys. Good afternoon. तो सुबह के बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ. सुबह से थोड़ी तबीयत खराब. मतलब नाक बहना वही सब. फीवर था थोड़ा सा. एंड जो होता है ना सीजनल, जब अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो सभी को हो रहा है, तो बच्चे तो बाहर जाते हैं, तो पहले हनी बनी को हुआ थोड़ा, उनको ज़्यादा नहीं तो हल्का सा हुआ था, उसके बाद जीत को हुआ,
तो जीत का लगभग ठीक होने वाला था। एंड ये सर्दी जुकाम तो एक बार घर में आता है तो सबको छू के जाता है। मुझे लगा इस बार मैं बच गई, बट कल रात से मुझे भी पूरा मतलब गला दर्द लग रहा था। सुबह से छींक, नाक बहना, देन सर पूरा भारी एंड थोड़ा सा फीवर। तो वो इसीलिए मैंने और कुछ भी नहीं किया था। हनी बनी स्कूल से आने के बाद उनको खिला लिया, मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो जीत ने बोला मेडिसिन खा लेना, बट मैं नॉर्मली सर्दी जुकाम में मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हूँ, स्टीम वगैरह ही ले लेती हूँ। बट उन्होंने बोला कि अभी आगे आने वाले टाइम में कुछ काम है हमें, तो मेडिसिन खा के जल्दी ठीक हो जाए। तो बस चाय रस खा के मैंने एक मेडिसिन लिया था, उसके बाद हम लोग मतलब उनको सुलाया तो मैं भी उनके साथ थोड़ा सा सो गई थी। तो अभी उठ के स्टीम ले रही हूँ, ये लेने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बहुत काम पड़े हैं, शिवा भी नहीं आया है, बर्तन पड़े हैं, कपड़े धुलने के लिए बहुत सारे रखे, फोल्ड करने के लिए बहुत सारे रखे, तो वो सब करूँगी। देन डिनर में देखते हैं कुछ बनाने के, जितने मना किया कुछ मत बनाना, मैगी बना के खा लेंगे। देखते हैं जैसे भी तबीयत ठीक लगेगा तो कुछ बना लोगे, वरना मैगी बना के खा लेंगे। बस यही है, काम तो थोड़ा थोड़ा रहता है, वरना नहीं करोगे तो कौन करेगा। माया बोल रही थी कि मैं आ जाऊँगी, बट फिर उनका वो भी ऑफिस जाती है, क्यों परेशान होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। बस यही है फिलहाल, थोड़ा तबीयत खराब, तो स्टीम विम देख के ठीक हो जाएंगे, दो तीन दिन में ये सब ठीक हो जाएगा। हनी बनी भी उठ गए, सो गए थे, तो उनको लिए उनके लिए थोड़ा सा कुछ इवनिंग स्नैक्स मखाने वगैरह वो कर रोस्ट कर देती हूँ, तो वो खा लेंगे। देन मैं काम निपटा के फिर डिनर वगैरह जो भी बनाऊँगी। मासूमा एंड उनके जो हस्बैंड है वो जीत के कलीग एंड वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो वो ना हनी बनी के बर्थडे पे आ नहीं पाए थे, जिस दिन हनी बनी का बर्थडे पार्टी था ना उस दिन उसको बहुत तेज फीवर था, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे। उसके बाद हमने दो तीन बार प्लान किया कि मिलेंगे, फिर कभी उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कभी हमारा कुछ हो रहा था, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो अचानक से देखा तो गिफ्ट आया, डिलीवर हुआ आज। मैंने फोन करके अब पूछा तो बोले कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, और हनी बनी को मैंने गिफ्ट नहीं दिया अभी तक बच्चे का, मतलब बर्थडे का, तो इसलिए मैं ऑनलाइन मैंने भेज दिया। मैं कह ये क्या बात है, यही सेम सिटी में रहते हैं दुबई में, कभी भी मिल लेते हैं फिर उसी टाइम दे देते। बट फिर उसने हनी बनी के लिए गिफ्ट भेजा है, ये एक सॉकर टेबल जो होता है ना बच्चों का, एक वो है एंड टी शर्ट है, ये रहा एक एंड ये रहा एक। ये आज डिलीवर हुआ, तो इसको तो मैं भी रख देती हूँ, अभी बाद में फिर निकालेंगे, टी शर्ट वो पहन लेंगे। ये हो गया मेरे लिए चाय एंड हनी बनी का इवनिंग स्नैक्स, थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए हैं, एंड उन्होंने बोला उनको चिकन स्टिक्स जो है वो खाने, तो वो थोड़े से फ्राई कर लिए। ये सब चीज़ ना फ्रिज में रहते हैं ना, कभी कभी तो बहुत हेल्प हो जाता है, जब बच्चे कुछ भी ऐसे खाने के लिए बोलते हैं तो बहुत हेल्प हो जाता है। तो बस उनको भी दे दूँगी एंड मैं चाय पीते पीते कपड़े सारे फोल्ड कर लूँगी। त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव सुगंधिं नो वंदनम् मृत्योर्मुक्षे ममामृतात् ममामृतात् यस ओम। त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनम् मृत्योर्मुक्षे ममामृतात्। यस ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस, वेरी गुड। नाउ सिद्धार्थ एंड विवेक आल्सो कम, ऑल ऑफ यू आर टू सिंग नाउ। फर्स्ट हनी बनी विल फर्स्ट एंड देन दे विल रिपीट। ओके ओम त्र्यंबके, वेट वन बाय वन। हाँ ओम त्र्यंबके
क्या कर रहे हैं जीत बाबू आज किचन में? हम अपना फेवरेट भिंडी बना रहे हैं। एक सेकेंड छींक नहीं होगा इसको। एक्सक्यूज मी। छोटी 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 50,000 आती है छींक एक साथ। तो मैगी खाना है बट अभी तो मैगी भी बनेगा। एक सेकेंड। तो भिंडी भी जीत बना रहे। भिंडी भुजिया मतलब भिंडी का चुन चुन भाजा। हाँ चुन चुन भाजा वो कल के लिए लंच के लिए खुद भी लेंगे और हम दो हम तीनों का भी हो जाएगा। हे भगवान। चलो गाइस मैं बाद में बात करती हूँ अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। बट आज जीत को बिना बोले खुद जाके भिंडी लेके आया और बना रहे हैं। तेरे लिए नहीं बना रहा अपने लिए बना रहा। तो फिर आटा भी गूंद दो रोटी बना दो। बनाएंगे बनाएंगे सब बनाएंगे क्योंकि भिंडी उनका फेवरेट है दी फेवरेट। और जहाँ पे भी वो अच्छी भिंडी देखते है फटाक से जाके ले आते हैं। जीत का क्या मस्त वाला भिंडी फ्राई बन रहा है। क्या डाला है ऑयल में? जीरा थोड़ा सरसों। हाँ सरसों जीरा देन भिंडी एंड ऊपर से प्याज डाला है। मतलब पहले प्याज भून के नहीं भिंडी ऐड किया है ताकि प्याज जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहे। बस बाद में ना कड़क नहीं हो जाए। बाद में नमक ऐड करोगे ना तो पानी छोड़ेगा भिंडी। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च क्योंकि हनी बनी ये खाएंगे नहीं तो थोड़ा बहुत हरी मिर्च खाना सीखेंगे हनी बनी भी थोड़ा बहुत। हाँ पानी पी लेंगे 4 ग्लास। बस अभी मैं मैगी रखूंगी बनने के लिए तब तक भिंडी भी बन जाएगा। बहुत दिनों के बाद आप वेज कुछ बना रहे हो ना सर? हाँ भिंडी तो बना, फेवरेट है। अब बनाते हो तो वही कभी कभी चिकन मटन बनाते हो वरना वेज बहुत दिनों के बाद। आई थिंक प्रेगनेंसी के टाइम पे आप डेली भिंडी बनाते थे क्योंकि मैं खाली भिंडी खाती थी है ना। भिंडी रोटी खाती थी तो जीत प्रेगनेंसी में भिंडी बनाते थे। भिंडी और आलू चोखा यही दो बनता था मेरा फेवरेट होता था। हाँ और मैं कुछ नहीं खाती थी 9 महीने पूरा बिल्कुल मैंने यही खाया है रोटी भिंडी रोटी आलू चोखा। क्या हल्दी भी ऐड करेंगे अभी बाद में नमक। मामा विल मेक यू ईट और यू विल ईट निजे बाय ओन निजे व्हाई बिकॉज मामा इज नॉट वेल। ओ मेला बोल रहा है हम खुद खा लेंगे बिकॉज यू आर नॉट वेल। तो यहाँ पे भिंडी भुर्जी जो है ये बन के रेडी है गया मेरा कैमरा। एंड जो मैगी है वो भी डिनर के लिए बन के रेडी है वो कल लंच में खाएंगे ये आज डिनर में खाएंगे। तो दो वक्त का खाना जितने एक ही बार में निपटा दिया। फैंटास्टिक। बस कल रोटी बनेगा थोड़ा सा कल फॉर द रेस्ट कर और थोड़ा सा। यस थैंक यू सो मच। ओ भाई ऑनलाइन मेरे को इसने थैंक यू बोला गाइस प्लीज नोट करके रखना। क्योंकि आपने आज बिना बोले किया ना नॉर्मली मैं बोलती हूँ तब करते हो। इतना प्यार जीत आपसे करता हूँ उतना प्यार आप जीत से नहीं करते। चलिए गाइस इसी नोट के साथ में आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज जीत के लिए एक लाइक कर लेना। यार एक लाइक तो बनता है यार आपके एक लाइक से पता है ना यूट्यूब बाबा कितने खुश होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। हम लोग गर्मा गर्म मैगी एंजॉय करते हैं साथ में
मूवी एक लगाया है वो देखते हैं। मगर मूवी देखते हैं, मूवी की ज्यादा गर्म थी कि हल्की थी। मैं घर में मास्क पहन के घूम रही हूँ क्योंकि हनी बनी को दोबारा ना हो जाए फिर मुझसे, है ना। तो मैं ऑब्वियस बात है, वो तो सर्दी जुकाम हल्का हर एक को, हर बच्चे को लगा हुआ है। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय। सो गाइस, आज है नेक्स्ट डे, शाम का टाइम, इवनिंग हो गया है एंड मेरा सुबह से इतनी तबीयत ख़राब, पूरा बहुत जोर सर्दी जुकाम, इतना कि मुझे मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो मैंने जीत को ऑफिस से थोड़ा जल्दी बुला लिया था, थोड़ा रेस्ट लूँगी एंड ये वाला जो ब्लॉग है 2-3 दिन का मिला के रिकॉर्ड किया था तो वही मैं एडिट करके डाल दूँगी। हो सकता है कल मेरा ब्लॉग नहीं आएगा तो वही बस बताना था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।